अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत फजल और करम के साथ आज के व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के सीन्स कुछ ऐसे है कि मेरे कजन का नाजरे का ख़त्म होने वाला है, तो उसके साथ जाएंगे। अभी पढ़नी है नमाज, उसके बाद जाएंगे मदरसे उसके, और ख़त्म उसका है। तो हम भी जाके देखते हैं कैसे होता है यहाँ का ख़त्म, और उसका प्रोग्राम वो कैसे होता है, और आपको भी दिखाते हैं। सो स्टे विद अस। यह हमारा जवान तैयारी करके जा रहा है। हम भी नमाज पढ़ चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, और ये सब भी रेडी हो चुके हैं। बस देर है तो जाले की देर है, बस जैसे कजन निकलता है तो फिर चलते हैं। तो ये है मेरा कजन जिसका ख़त्म है आज इंशाल्लाह। ये हमारी फोर्स तैयार है जाने के लिए। किसी ने कुछ उठाया तो किसी ने कुछ, ये है कुछ सेहरे वगैरह जो इसको पहनाए जाएंगे वहाँ पर, ये इसके पास अलग से है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जा रहे हैं अब मदरसे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साल पहले मेरे भाइयों का भी नजरे का खत्म था, आज कजन का है। शेरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, तत्हीरों हर दिल की कुरान की तिलावत से है शाद। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम की आवाज़ें आ रही है, नाते वगैरह चल रही है, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। बस हम या तो लेट है या तो पता नहीं ऐसे ही चल रहे, या तो टाइम पे है, देखते हैं वहाँ जाकर। ईमान की मोहब्बत से हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में से बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में जमा है यूं पर फैलाए हो हर महफिल कुरान में रहा। और अब चाय का प्रोग्राम चल रहा है, चाय इसके बाद और फिर सब अपने अपने घर पर। जब जिक्र तिलावत हम फूटों पे सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चाय का प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये सब वो जो चाय लाए थे वो अपने अपने बर्तन उठा के ले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है और हम वापस घर को जा रहे हैं। हमारा कार्य सब ये है जिसका आज ख़त्म था। हम गुंचे हैं गुलदान मोहम्मद के, हम बारिश खुशबू है। अल्हम्दुलिल्लाह दिली माहौल का अपने एक मज़ा होता है, और बंदे को अपने आप का भी पता चल जाता है कि मैं कितने पाली में हूँ, और बड़ा ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके। और वैसे भी दीनी माहौल में बंदे को उठना बैठना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मदरसे में कोई नहीं जाता, कोई भी अगर दीनी प्रोग्राम हो तो उसमें शिरकत करे। आज माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम भी बड़ा ही अच्छा हुआ। सब अब वापस जा रहे हैं घर को। अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले पहाड़ पर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ भी पड़ी है। सब फिर से तैयारी कर रहे हैं सहरे पहनाने की, क्योंकि घर के करीब पहुंच चुके, और यूँ तो अच्छा नहीं लगता कि बंदा ख़त्म भी कर गया है और उसको सहरे में ना पहनाए हो। फिर से अगेन सहरे पहनाए जाएंगे, फिर घर जाएंगे। घर के करीब पहुंच चुके हैं। ये जो बंदे नहीं गए थे हमारे साथ वो मुबारकबाद दे रहे हैं, और फिर से सहरे पहना रहे हैं क्योंकि घर अभी घर जाएगा बगैर सहरों के अच्छा नहीं लगता, बगैर सहरों के इसलिए वापस से।
पहना रहे। बस राजा दिल इसके हाथ में जो चॉकलेट है ये पहन के जाएंगे। एक नूर सजाएंगे कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे चेहरों पे तिलावत का। जैसे जो वापस आकर हम घर में भी चाय का प्रोग्राम बन चुका है, चाय यहाँ पीते हैं। आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। सजाएंगे आए वो लोग आपको।